मूवी स्टार्ट होती है और हमें 20 साल फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। लॉस एंजलिस में डेबी और पीटर साथ में सोफे पर कड़ल कर रहे थे। वहाँ पर उसने दूसरे कपल को घर में खाने के लिए बुलाया हुआ था। वो थैंक यू कहकर वहाँ से चले जाते हैं। डेबी और पीटर वहाँ से उठकर अपने बेडरूम में चले गए। अपनी बातों में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इसके बाद वो इंटीमेट हो गए। सीन खत्म होने के बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पर डेबी पीटर को फोन पर गुड मॉर्निंग के साथ हैप्पी बर्थडे विश कर रही थी। उनमें डिबेट चल रहा था कि पीटर अभी भी उससे ज्यादा यंग दिखता है, उसकी एज उतनी ज्यादा लगती नहीं। पीटर कहता है कि एक आदमी होने का यही एक फायदा होता है। डेबी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास गिफ्ट लाई हूँ। पीटर कहता है कि क्या तुम मुझे पोज 356 गिफ्ट कर रही हो। डेबी बात करते हुए बताती है कि नहीं, 911 पर्पल कलर। यहाँ पर बेका जो पीटर की गर्लफ्रेंड है ये उसे कॉफी के लिए पूछती है और बेड से उठकर चली जाती है। यहाँ पर दो डिफरेंट साइड है, डेबी लॉस एंजलिस में है और दूसरी तरफ पीटर न्यूयॉर्क में। उन दोनों में नोकझोंक फिर चलती रहती है। डेबी कहती है कि तुम नहीं चाहते कि मैं न्यूयॉर्क में आऊँ। पीटर कहता है कि तुम अपने हर्ब्स वगैरह लेकर मत आना। डेबी उसकी बात काटते हुए कहती है कि वैसे भी तुम्हारे यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर होता है, उससे मैं वैसे भी इरिटेट हो जाऊंगी। पीटर कहता है कि मैं भी तुम्हारे यहाँ पर रहने के लिए एक वीक के लिए कंट्रोल कर सकता हूँ, शायद बाद में तुम्हें और कोई मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक दूसरे से वो एक वीक के लिए न्यूयॉर्क में मिलने वाले थे। तभी वहाँ पर जैक आता है जो डेबी का बेटा था और उसे एक निकनेम से बुलाता है। डेबी पीटर से कहती है कि जैक कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकता है और वैसे भी उसका ध्यान रखने के लिए स्कारलेट यहाँ पर आने वाली है। पीटर डेबी को कहता है कि मुझे पता है कि जैक मेरा बेटा नहीं है, पर फिर भी तुम्हें थोड़ी सी उसे फ्रीडम देनी चाहिए। डेबी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसे इंसान से एडवाइस लेने की कोई जरूरत नहीं है। पीटर उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉम हो, इस वजह से जैक का दम घुट रहा है। डेबी पीटर से कहती है कि मुझे अब याद आ रहा है कि लास्ट टाइम हम दोनों एक दूसरे के साथ कब थे। बहुत सालों पहले अचानक से अथवेक आ गया था और इसके बाद से तुम भाग गए थे, उसके बाद से हम दोनों मिले ही नहीं थे। वो अब भी बिलीव नहीं कर सकती कि उसे वर्ल्ड में इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड मिला है। वो फिर से पीटर को हैप्पी बर्थडे कहती है और जल्द से मिलने की बात करते हुए वीडियो कॉल को कट कर देती है। ये सब सुनकर बेका पीटर को कहती है कि तुम बात किससे कर रहे थे। पीटर कहता है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बेका कहती है कि उससे तो मैं कभी भी मिली नहीं हूँ, सिर्फ तुम दोनों बर्थडे पर बात करते रहते हो। बेका पीटर पर जरा गुस्सा हो रही थी, पर उससे कहती कि मैं जेलस नहीं हो रही, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि अगर तुम एक दूसरे को इतना पसंद करते हो तो एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रहते। पीटर मना कर देता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद नीचे उसकी कैब आ गई थी। बेका और पीटर साथ में चल रहे थे। पीटर बताता है कि आज रात ब्राउनस्टोन क्लब में हम साथ में जाएंगे, किसी को ये मत बताना कि आज मेरा बर्थडे है, खामखा सब लोग हमारे प्लान में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देंगे। वो शांति से उसके साथ डिनर करना चाहता था। बेका पीटर से पूछती है किसके बाद क्या होगा, हमारी रिलेशनशिप कहाँ पर जा रही है, हम एक दूसरे के साथ 6 मंथ से रह रहे पर फिर भी एक दूसरे के इतने क्लोज नहीं आ गए कि हम अब दूर नहीं हो सकते। उसे कहती है कि मुझे क्लियर बता दो कि क्या मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रही। पीटर इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इस बात से बेका बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे जो पता करना था अब वो मुझे पता चल चुका है। उसे वहीं पर ब्रेकअप कर लेती है। पीटर ने जो कैब बुलाई थी उसी में बैठकर वो चली गई। दूसरी तरफ डेबी जैक को घर से निकलते हुए याद दिलाती है कि क्या तुमने अपनी मेडिसिन ली। घर से बाहर निकलने के बाद उसे उसका नेबर जेन मिलता है। वो डेबी के गार्डन की देखभाल करता है। इसके बाद उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। जल्दी से वो घर पर नहीं आएंगे, इसके बारे में बात करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम पीटर, जैक और डेबी को अपनी अपनी लाइफ में बिजी देखते हैं। डेबी फिर जैक को स्कूल में छोड़कर अपने फ्रेंड एलिसिया के साथ बात कर रही थी। वो दोनों साथ में ऑफिस जाती है और वहाँ पर अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस थी क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत दिक्कत थी। जैक को बहुत सारी एलर्जीज थी और इसकी दवाई का खर्चा बहुत ज्यादा था। डेबी की फ्रेंड उसे पूछती है कि जैक के फादर इस सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों नहीं उठाते। डेबी इस बात को टाल देती है और कहती है कि इस बारे में ज्यादा सोचो मत। इसी के साथ उसे सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में भी एडवाइस देती है। डेबी फिर अपने घर आ जाती है। स्कारलेट जो जैक का ख्याल रखने वाली है उसके ड्रामा का प्रिपरेशन चल रहा था। डेबी स्कारलेट की झूठ मोट की बहुत तारीफ करती है। पैरेलल में पीटर अपने फ्रेंड्स के साथ था। फ्रेंड्स कह रहे थे कि हमारे साथ और जरा टाइम रुक जाओ, पर पीटर उन्हें मना कर देता है। जाते वक्त पीटर के फ्रेंड्स उसे कहते हैं तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाए। इसके बाद वो अपने अपने रास्ते चले गए। पीटर फिर अपने बर्थडे पर अकेला ही रह जाता है। दूसरी तरफ डेबी और जैक डिनर कर रहे थे। स्कारलेट फिर खुशी से अपनी ऑडिशन के बारे में उन्हें बताने लग जाती है कि उसका सिलेक्शन हो गया है और इसके लिए अब उसे 2 वीक्स के लिए वहां पर जाना पड़ेगा। ड्रामा में उसके डायलॉग्स बहुत ही कम थे पर फिर भी बैकग्राउंड में वो बहुत जगह पर थी। तभी स्कारलेट को याद आता है कि अगले वीक तो उसे जैक का ख्याल रखना है, वो शायद अब जा नहीं पाएगी। इस बात से डेबी भी उदास हो गई थी। वो अपने बेटे को लाइफ लेसन दे रही थी। तभी पीटर का उसे कॉल आता है। ये फोन जैक उठाता है। पीटर को जब सिचुएशन के बारे में पता चला तो पीटर कहता है कि जैक का ख्याल मैं
रख सकता हूँ। डेबी उसे ये करने से मना करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, पर जैक उसे कोई भी बात मानने के लिए रेडी नहीं था। डेबी एक इम्पोर्टेंट काम की वजह से न्यूयॉर्क आ रही थी और जैक नहीं चाहता था कि उसका प्लान कैंसिल हो। वो डेबी के यहाँ पर यानी एले आकर जैक का ख्याल रख सकता था। डेबी इस बात के लिए मान नहीं रही थी, पर पीटर उसे मना ही लेता है। नेक्स्ट सीन में डेबी अपना सामान पैक कर लेती है और जैक को रास्ते में स्कूल में छोड़ देती है। पीटर और डेबी की फ्रेंड एलिसिया जैक के स्कूल के सामने मिलने के लिए जाते हैं। वो कहती कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैक का ख्याल रखने के लिए तुम यहाँ पर आ गए। तभी जैक वहाँ पर आ गया। पीटर और जैक गाड़ी में घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों में बहुत सारी बातें होती है। जैक अपने हॉकी गेम के बारे में उसे बताता है, कहता है कि एलर्जी की वजह से कैसे वो कोई और गेम नहीं खेल सकता। पीटर उसे कहता है कि तुम बास्केटबॉल भी खेल सकते हो, पर जैक कहता है कि हाइट की वजह से वो भी मैं नहीं खेल सकता। जैक और पीटर भी डेबी के घर पर आ जाते हैं जो माउंटेन पर बना हुआ था। जैक उसे कहता है कि मुझे अब इस जगह की आदत हो गई है। चलते चलते उन्हें जेन मिलता है। जेन बिना बूझे ही अपनी अपनी तारीफ करने लग जाता है। पीटर को जेन के बारे में पता ही नहीं था, ये बात जैक नोटिस करता है। घर पहुंचते ही फोन पर डेबी पीटर को कहती है कि जैक की किस तरीके से देखभाल करनी है। वो कहती है कि उसे किस किस चीजों की एलर्जी है। पीटर डिनर के बारे में बात कर रहा था तो डेबी उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत रिच हो, पर फिर भी तुम्हें सारा खाना घर पर ही बनाना है। जैक की हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेबी और कुछ बात उसे बताने के लिए भूल रही थी, पर पीटर उसे कहता है कि तुम्हें अपनी जर्नी को एंजॉय करना चाहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। डेबी फिर पीटर के घर पर पहुंच जाती है। वो देख रही थी कि किस तरीके से कलर के हिसाब से सब कुछ रखा गया है। यहाँ पर छोटी छोटी चीजें भी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थी। पैरेलल में जैक पीटर को अपना रूटीन बताता है। पीटर उसे कहता है कि रूटीन कितना बोरिंग है, अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे रह रहे हो तो मैं पहले ही आ जाता। जैक फिर पीटर की तारीफ करता है कि वो कितना कूल है। वो दोनों फिर बड़े से टीवी में मूवी देखते हैं। डेबी को पीटर के घर पर जरा ठंड लग रही थी तो उसने रिमोट से किसी बटन को प्रेस किया। वहां पर जोर से म्यूजिक चलने लग जाता है। डोर पर एक नॉक आया और एक लेडी अंदर आती है। वो म्यूजिक को लाउड देखकर रिमोट से उसे ऑफ कर देती है। डेबी उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। उस लेडी ने कहा कि पीटर तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बातें करता रहता है। वो फिर उसे अपने बारे में बताती है कि किस तरीके से बिना अंडरवेयर के पीटर के घर पर वो आ गई। वो कहती कि मैं एक्चुअल में पीटर की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, हमें ब्रेकअप हुए 6 मंथ्स हो चुके हैं। हमारे ब्रेकअप के बाद पीटर और बेका ने डेटिंग स्टार्ट कर दी थी। ये बात मुझे सोशल मीडिया से पता चली थी और जब उन दोनों का ब्रेकअप हुआ तो ये भी मुझे सोशल मीडिया से ही पता चल गया, तो इसलिए मैं उसके घर पर आ गई। उसका नाम था मिंका। मिंका डेवी से पीटर के बारे में पूछती है तो डेवी बताती है कि पीटर एले गया है, वो वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने वाला है। मिंका फिर डेबी को ड्रिंक के लिए बाहर चलने के लिए कहती है, पर डेबी उसे मना कर देती है। उसने कहा कि हम किसी और दिन चलेंगे। मिंका उसे कहती है कि हम ब्राउनस्टोन क्लब में चलेंगे, जहाँ पर मैं और पीटर हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे। नेक्स्ट सीन में पीटर और डेबी फोन पर बात कर रहे थे। पीटर उसे कहता है, तुमने मुझे जेन के बारे में कभी बताया नहीं। वो एक दूसरे के घर के बारे में बात कर रहे थे। डेबी कहती कि तुमने मुझे मिंका के बारे में भी कभी बताया नहीं था। इसके बाद इस बात को इग्नोर करके अपने दिन की पूरी सारी बातें वो बताने लग जाते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे के लिए स्टिकी नोट छोड़े थे, वो पढ़ते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। इसके बाद वो सोने चले गए। अगले दिन पीटर जैक को किन किन चीजों की एलर्जी है इस सब के बारे में पढ़ रहा था। तब उसने रियलाइज किया कि वो ब्रेकफास्ट बनाना भूल चुका है। वो मिलकर फिर बाहर रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। पीटर जैक से डेबी के बारे में बात कर रहा था, उसे किससे सुना था, उन दोनों की फ्रेंडशिप अच्छी करने की वो कोशिश करता है। पीटर फिर जैक को स्कूल छोड़कर डेबी की फ्रेंड एलिसिया के साथ कॉफी पर जाता है। नेक्स्ट सीन में डेबी किसी क्लासरूम में अपने डिग्री के बारे में पढ़ा रही थी। इसके बाद वो प्रीमाइसेस में जरा घूम रही थी, तभी उसे मिनका का कॉल आता है, उसे ड्रिंक के लिए बुलाती है। वो दोनों फिर ब्राउनस्टोन क्लब में जाते हैं। डेबी को ये सब जरा अनकंफर्टेबल लग रहा था। मिनका डेबी से पूछती है कि वो कैसे पीटर से मिली थी, क्या उसे अभी भी उसे प्यार है। डेबी इसके लिए मना करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर दो आदमी खड़े थे। उन दो आदमियों में से एक बहुत बड़ा राइटर था। डेबी ने उसकी हर एक बुक पढ़ी थी। एक बार तो उनकी सिर्फ एक ही कॉपी बिकी थी तो ये भी डेबी ने बाय कर ली थी। उनसे मिलकर जब वो घर जा रहे थे तो राइटर डेबी से उसका नंबर ले लेता है। मिनका डेबी से पूछती है कि अगर तुम्हें रीडिंग इतनी पसंद है तो तुमने पीटर की बुक कभी क्यों नहीं पढ़ी। डेबी को बिलीव नहीं हो रहा था कि पीटर ने भी कोई नॉवेल लिखी थी। पीटर ने उसे कह दिया था कि उसने लिखना पहले ही छोड़ दिया है। मिंका फिर डेबी को पीटर की नॉवेल दिखाती है। डेबी इस बात से सरप्राइज हो जाती है, पर इस नॉवेल को पढ़ने से उसने मना कर दिया। दूसरी तरफ पीटर और जैक हॉकी गेम्स देखने के लिए गए थे। जैक को वहाँ की खाने की चीजें देखकर बहुत अच्छा लगता है। पीटर और जैक घर आ रहे थे। पीटर जैक से बातों से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो उसे पता चल जाता है कि उसका प्लान फ्लॉप हो गया है। डेबी फिर पीटर को कॉल करती है, उसे कहती है हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। पीटर इस बात के लिए एग्री करता है। यहाँ पर डेबी को पीटर से उस नॉवेल के बारे में बात करनी थी पर वो कर नहीं सकती। डेबी फिर अपनी डिग्री की पढ़ाई के साथ पीटर की नॉवेल भी पढ़ रही थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में डेबी और मिंका मिलते हैं। डेबी ने डिसाइड कर लिया था कि उस राइटर को पीटर की नॉवेल दिखाएगी, इससे वो पब्लिश हो सकती है। मिंका डेबी को कहती है क्या ये सब करने के लिए तुम श्योर हो। डेबी इसके लिए बहुत श्योर थी।
जिन राइटर से वो मिली थी उनका नाम था थियो मार्टिन, उन्हें जल्दी से नॉवेल दे देती है और इसे पढ़ने के लिए कन्विंस कर देती है। नेक्स्ट सीन में जैक और पीटर एक कार में जा रहे थे। पीटर जैक को अपनी लाइफ के बारे में बता रहा था, तभी वो जैक को कहता है कि तुम्हें हॉकी गेम ज्वाइन करना चाहिए। इसके बाद उसने उसे स्कूल में ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट सीन में डेवी और मिन गए थियो मार्टिन को मिलने के लिए जाते हैं। थियो मार्टिन पीटर के नॉवेल के बारे में बहुत तारीफ करता है और इसे वो पब्लिश करना चाहता था। पब्लिशिंग के बारे में मिंका और डेवी दोनों डिस्कस करती है। डेवी ने डिसाइड कर लिया था कि पब्लिश होने से पहले वो पीटर को नहीं बताएगी। इसके बाद थियो मार्टिन डेवी को डिनर के लिए इनवाइट करता है। पैरेलल में जैक और पीटर हॉकी गेम के ग्राउंड पर पहुंचते हैं। जैक बहुत ही अच्छा से परफॉर्म करता है। घर आने पर वो दोनों मिलकर डिनर करते हैं। इसके बाद पीटर फिर जेन के लिए ड्रिंक लेकर आता है। वो दोनों बीच पर बैठकर फिर बातें करते हैं। वो डिस्कस कर रहे थे डेवी सबसे पुरानी दोस्त किसकी है। जेन कहता है कि हम दोनों की बात जरा अलग अलग है, मैं सिर्फ उसका नेबर हूँ, तुम एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो। पैरेलल में थियो मार्टिन और डेवी डिनर पर गए थे। अपने पढ़े हुए नॉवेल के बारे में किसको ज्यादा पता है, इस बात में वो कंपटीशन करने लग गए। बातों बातों में एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। पीटर को अपने स्मार्टफोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, ये अपने घर के कैमरा से थे। उसने हमेशा से अपने घर पर कैमरेज लगाए हुए थे। वो देखता है कि थियो मार्टिन और डेवी ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। उन दोनों को देखकर पीटर के हाथ से ही फोन नीचे गिर जाता है। इसकी आवाज सुनकर जैक वहां पर आ गया था, पर पीटर किसी तरीके से बाहर जाने का बहाना बनाता है और एलिसिया को जैक का ख्याल रखने के लिए कहता है। इसके बाद वो एक बार में चला गया और वहां पर ड्रिंक करने लगता है। वहां पर वैनेसा आके पीटर डेवी के बारे में उससे बात कर रहा था, किस तरीके से वो जैक का ख्याल रख रहा है इसके बारे में बोल रहा था। पीटर को डेवी का कॉल आता है पर इसे वो रिसीव नहीं करता। वैनेसा यहाँ पर पीटर के पास आने की कोशिश करती है पर पीटर घर चला गया। घर वापस आने पर पीटर एलिसिया से अपने और डेवी के बारे में बात करता है, किस तरीके से उसने जिमी और डेवी को एक साथ देखा था। जब डेवी उसे मिलने के लिए आई थी तो डायरेक्टली उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये पता चलने के बाद पीटर फिर अर्थवेक का बहाना बनाकर वहां से भाग गया था। पीटर तब भी डेवी से बहुत प्यार करता था पर उसे बोल नहीं पाया था। जब बहुत लेट हो गया तो वहां से भाग गया। एलिसिया पीटर को अपनी दिल की बात डेवी से कहने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे पीटर और जैक अपने रूटीन में बिजी हो जाते हैं। डेवी अपनी डिग्री की स्टडीज में लगी हुई थी। फोन पे बात करते हुए रास्ते से वो कुछ प्लांट्स खरीदती है। घर जाकर थियो मार्टिन का उसे कॉल आता है, फिर से ब्राउनस्टोन क्लब में उसे मिलने के लिए बुलाता है। मिंका डेवी को अच्छे क्लोज लेने में हेल्प करना चाहती थी पर डेवी इसके लिए मना कर देती है। पैरेलल में पीटर जैक को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। जैक पीटर को कहता है कि हमेशा हमारे साथ ही रहना। पीटर ने कहा कि मुझे पता नहीं कि क्या ये पॉसिबल है। जैक फिर अपने स्कूल के लिए चला जाता। डेवी और मिंगा को कुछ चीजों का कलेक्शन मिलता है। इसमें कई छोटी छोटी चीजें थी जो पीटर ने संभाल कर रखी थी। ये उन दोनों की ही चीजें थी। मिंगा डेवी को समझाती है कि पीटर उससे बहुत प्यार करता है। डेवी को भी पीटर से पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन डेवी अपने आप को समझ नहीं पाई। मिंगा फिर डेवी को फोर्स करती है कि जाकर अपने दिल की बात उसे भी करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें हॉकी गेम दिखाया जाता है, जहाँ जैक हॉकी गेम खेल रहा था। डेवी और थियो मार्टिन फिर से एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आए हुए थे। थियो मार्टिन डेवी को एक फुल टाइम एडिटर की जॉब के लिए प्रपोजल देता है। उसे कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ काम करो, तुम बहुत टैलेंटेड हो। डेवी इसके लिए उसे मना कर देती है, कहती कि रिलेशनशिप की शुरुआत में इस तरीके से काम करना सही नहीं है और अब वो उसके साथ रिलेशनशिप में भी नहीं रहना चाहती। वो कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। पैरेलल में जैक हॉकी गेम खेलते खेलते नीचे गिर गया। ये देखकर पीटर डर जाता है और जल्दी से उसके पास जाता है। पीटर डेवी को कॉल करके सब कुछ बता देता है। वो एम्बुलेंस से जैक को हॉस्पिटल लेकर आया था। डॉक्टर बता रहे थे कि डरने की कोई भी बात नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी चोट है। फोन पर जैक बात कहता है कि ये वीक बहुत ही बेस्ट था, पीटर के साथ उसने बहुत एंजॉय किया है। डेवी पीटर से बात करने वाली थी तभी जैक के फ्रेंड्स वहां पर आ गए और उनसे वो फोन ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में डेवी घर से सामान लेकर निकल जाती है। डेवी फिर एले आ जाती है। उसने पीटर को फोन पर कहा कि वो हॉस्पिटल जा रही है। पीटर उसे रोकते हुए बताता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, जैक अब ठीक है और एलिसिया के साथ उसके घर पर है। पीटर अपनी तरफ से डेवी से माफी मांगता है। अब यहाँ पर एयरपोर्ट पर डेवी और पीटर मिल जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपनी बातें छुपाने के लिए गुस्सा थे। पीटर डेवी को बता देता है कि मुझे थियो मार्टिन के बारे में पता है, मैंने घर में कैमरेज लगाए हुए थे। डेवी फिर प्राइवेसी को लेकर उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। डेवी के हाथ से सूटकेस नीचे गिर जाता है। वो छोटी चीज जो पीटर ने बहुत संभाल कर रखी थी वो भी सूटकेस से बाहर आ जाती है। ये देखकर डेवी को पीटर का प्यार फिर से समझ में आ जाता है। वो पीटर से कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं डर रहा था कि अगर मैंने तुम्हें खुलकर फीलिंग्स बताए तो शायद तुम मुझे ठुकरा दोगे। डेवी ज्यादा जोर से उससे पूछती है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। पीटर बात को पूरा करता हुआ कहता है, हद से ज्यादा दिल से बहुत प्यार करता हूँ, उस दिन से करता हूँ जब मैं
तुमसे पहली बार मिला था। डेबी बहुत जोर से गुस्सा थी और कहती है कि तुमने इसका इशारा भी क्यों नहीं किया, तुम तो मुझसे रोज मिला करते थे। डेबी अपने प्रॉमिस से बहुत परेशान हो जाती है। उसने पीटर से कहा था कि जिंदगी भर उसकी बहुत अच्छी दोस्त रहेगी। पीटर मना करते हुए उसे डायरेक्टली किस कर लेता है। इसके बाद 15 मिनट्स बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। डेबी उसे कहती है कि अब तुम्हारी नॉवेल भी पब्लिश हो रही है, डेबी भी एक अच्छी एडिटर बनने वाली है। डेबी और पीटर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं। एंड सीन में हमें 6 मंथ्स बाद का एक सीन दिखाया जाता है। पीटर की नॉवेल अब पब्लिश हो चुकी थी, डेबी भी एक अच्छी एडिटर बन गई थी। पीटर घर पर आता है, डेबी और वो अब एक अच्छी फैमिली बन चुके थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और नए मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।